नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के आखिरी राजा नाहर सिंह की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर पक्ष विपक्ष के दिग्गज नेता भी शामिल रहे, जिनमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी, भाजपा नेता ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री विपुल गोयल सहित कई विधायक और पूर्व विधायक सहित इलाके के पंच, सरपंच और समाज सेवी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के राज्यपाल और कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों को मालूम हो चला था कि राजा नाहर सिंह को खत्म किए बिना वह दिल्ली पर फतेह हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें धोखे से संधि के बहाने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलवाया और उसके बाद उनके दो साथियों जिनका नाम गुलाब सैनी और भूरा वाल्मीकि के साथ उन्हें चांदनी चौक पर फांसी दे दी। उन्होंने कहा कि जब राजा नाहर सिंह ने शहादत पाई तो उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल की थी। उन्होंने कहा, ऐसे शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करके उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है और वह आयोग का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ी भी देश प्रेम के प्रति प्रेरित होगी और उनकी शहादत से सबक लेगी। इस मौके पर मंच से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ ने भी राजा नाहर सिंह के किस्से सुनाए और उनकी शहादत को सलाम किया। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंची सांसद हेमा मालिनी और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राजा नाहर सिंह की शहादत पर अपने विचार रखे और उन्हें याद किया तथा मूर्ति अनावरण को लेकर सभी को बधाई दी। बल्लभगढ़ हम पहुंचे हैं इसलिए कि अमर शहीद नाहर सिंह जी, जिनका एक स्मारक बना है, उनका मूर्ति बनी है, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र के लिए, उनके ऊपर एक बड़ा ये स्मारक बना हुआ, उसके उद्घाटन में मैं आई हूँ। हमारे को गर्व है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुई और इन्होंने सब कुछ त्याग करके देश के लिए कुर्बानी की है। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई लड़ी, 1947 में देश आज़ाद हुआ और इस बात का हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो शहीदों को याद करता है मेरी गाड़ी पीछे वही आगे जाता है।